नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सत्ता से हटना तय माना जा रहा है। इस वक्त इमरान की सरकार बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। 25 या 28 मार्च को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इसके बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपना इस्तीफा दे देंगे। इस अंदेशे के चलते सरकार के पूर्व करीबी पाकिस्तान जरूर छोड़ने लगे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर उनके किन करीबियों ने इमरान सरकार के हटने से पहले मुल्क छोड़ दिया है, उनका इमरान सरकार में क्या योगदान है और एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इमरान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर, चीफ सेक्रेटरी आजम खान और पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। दरअसल इमरान के इन करीबियों को लगता है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने के बाद इनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है, इसलिए सभी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ने वालों में शहजाद अकबर का नाम प्रमुख है। शहजाद भ्रष्टाचार और आंतरिक मामलों पर इमरान के बड़े सलाहकार थे। इमरान सरकार के गठन के बाद अब उनके बेहद करीबी थे। सत्ता में आने के बाद इमरान ने उन्हें ब्रिटिश से पाकिस्तान बुलाए थे। इमरान की इच्छा थी कि वो नवाज शरीफ और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दिलाने में मदद करें। इमरान खान की हुकूमत के दौरान शहजाद ने उनका साथ दिया। उन्होंने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरीफ परिवार को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट ने सबको बरी कर दिया क्योंकि सबूत नहीं थे। इमरान सरकार पर रिंग रोड, शुगर हाउसिंग जैसे घोटालों के आरोप लगे। हालांकि सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली। फिर आखिर में अकबर के इस्तीफे की खबर आई। इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। अब कहा जा रहा है कि वो परिवार समेत लंदन लौट चुके हैं। सत्ता में आने के बाद आजम खान इमरान के बेहद करीबी रहे। उस वक्त ये चर्चा थी कि इमरान के फैसलों के पीछे असल दिमाग उनके चीफ सेक्रेटरी आजम खान का होता है। उनके इशारों पर तमाम बड़े पत्रकारों को चैनलों ने नौकरी से निकाला था। इनमें हमीद मीर, सलीम साफी, असद अली तूर, आलिया शाह, रिजवान और आरजू कामिल शामिल हैं। अब यही पत्रकार सोशल मीडिया पर इमरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ये पत्रकार इमरान के मंत्रियों के काले कारनामे सामने ला रहे हैं। विपक्ष के नेता मौलाना फजल उर रहमान ने साफ कहा था कि आजम ने मुल्क को तबाह कर दिया। आजम खान वक्त की नजाकत भांप गए हैं। कहा जा रहा है कि पिछले शुक्रवार को वो दुबई पहुंचे और वहां से एक प्राइवेट प्लेन में अमेरिका के मियामी चले गए। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तरफ उन्होंने इमरान सरकार को गवर्नेंस के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई और सरकार चलाने के तरीकों पर भी सवाल उठाए थे। वही दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि वो फौज के कहने पर फैसले करते रहे हैं। आरोप है कि अहमद ने सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों पर फैसले लटकाए रखे हैं। अब विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास के कारण इमरान सरकार खतरे में पड़ती नजर आ रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि सेना ने भी इस पूरे सियासी बखेड़े पर चुप्पी साध ली। सेना का समर्थन खोने के कारण इमरान खान सत्ता पर पकड़ बनाए रखने में सारे विकल्प होते नजर आ रहे हैं।